नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा टाइमिंग था और आप देख सकते हो कि मार्केट उसके बाद पूरा ऊपर चला गया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया था और ये जो हमारा दूसरा टाइम है वहाँ से फिर से मार्केट फिर से संभल रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा टाइमिंग देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब में कौन सा लेवल्स आ सकता है और टाइमिंग क्या आएगा, दोनों डिटेल में बताता हूँ। कल मैंने आपको क्लियरली समझाया था, मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या मार्केट कल जो किया था उसको उल्टा करेगा। तो मार्केट आप देख सकते हो कि सुबह से मार्केट पूरा का पूरा ऊपर है। निफ्टी ने तो बहुत अच्छा सा मूवमेंट दे दिया है, उसी में ज्यादा करेक्शन था और उसी ने बढ़िया तरह से ऊपर भी आया है। अभी कल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना। अगर वो सस्टेन कर पाता है तो यहाँ पर मोमेंटम और ज्यादा आ सकती है। अगर नहीं होल्ड कर पाता है, रिजेक्ट होके फिर से आज का लो को तोड़ देता है, तब मार्केट में फिर से सेलिंग चालू रहेगी। तो यहाँ पर अभी देखिए, अभी के लिए फिलहाल हम 20,000 to 22,000 to 22,000, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, 22,000 22,000 और टू 22,000 22,000 to 22,200, ये ब्रॉडर रेंज रहेगा। नीचे यहाँ पर 22,000 के आसपास सपोर्ट है, 22,200 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर रहता है तो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। कल के लिए 22,500 सपोर्ट रहेगा, 150-200 रेजिस्टेंस रहेगा। तो टाइमिंग यहाँ पर ये है, अभी कल के लिए दो टाइमिंग निकल के आ रहा है निफ्टी में। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ क्या टाइमिंग है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना है। ठीक है, यहाँ पर 10:30 to 10:45 पहला टाइमिंग है एंड 1 to 1:50, 1:15 to 1:30 दूसरा टाइमिंग है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट है सपोर्ट के लिए एंड ये जो अभी हाई बना है ये इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए। इसके ऊपर ऊपर जाएगा, इसके नीचे नीचे रहेगा, यहाँ पर साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ सकता है। अभी के लिए तो फिलहाल मार्केट ठीक लग रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो ठीक है, अगर होल्ड नहीं करता है तो मुश्किल है। अभी हो सकता है कि यहाँ तक आके फिर से रिजेक्ट होके यहाँ आके इसके नीचे चला जाए, तब बड़ा सा सेलिंग आएगा। ऑन द अदर हैंड, ये यहाँ पर आके यहाँ से रिजेक्ट होके फिर से चला जाएगा तो बहुत अच्छा तेजी भी आ सकता है। तो अभी के लिए 22,000 नीचे का, 22,200 ऊपर का, इसको आप मार्क कर लीजिए। जब तक वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट अभी आज जितने अच्छी तरह से यहाँ पर बाइंग आई है, हो सकता है कि मार्केट इसको संभल पाए। लेकिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ही थोड़ा सा वीकनेस था एंड आज उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया है। बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी ने अपना सपोर्ट जो है उसको होल्ड करके रखा है, तो वो दोनों सपोर्ट पर है हम, और ये यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पर अभी आ रहे हैं। तो अगर मार्केट एक दिशा में जाना है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सबको इकट्ठा जाना पड़ेगा। अभी के लिए तो निफ्टी थोड़ा, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहे हैं, बट अगर ये सपोर्ट ले लेते हैं तो यहाँ पर अच्छा सा मूवमेंट ये भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट आया है, ये मिडल ऑफ द रेंज में फंस गया है। अभी आप देखोगे मिडल ऑफ द रेंज में क्लोजिंग आ रहा है। निफ्टी और फाइनेंस मिड कैप निफ्टी में हम हायर एंड ऑफ द रेंज में क्लोज कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी एक और चीज हम देखना है, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में
ये जो डिप आया है वो दूसरा डिप एक्चुअली हायर लेवल पर आया है, उसका मतलब है हायर लो बना है विच इज शोइंग अ पॉजिटिव साइन। देखिए ये पहला लो था, ये दूसरा लो है विच लुक्स वेरी पॉजिटिव। कल का लो जो है उसके ऊपर आज का लो है और उसके बाद तीसरा लो है। तो ओवरऑल ये तो अभी के लिए हमारे हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर इसके नीचे चला जाता है तो नेगेटिव है, इसके ऊपर चला जाता है तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा रेंज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, यहाँ पर साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर बेटर यही होगा नीचे के साइड में बाइंग करना है, ऊपर के साइड में देखना है, अगर यहाँ से सस्ते नहीं करता है तो निकल जाना। तो वो हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए कल के लिए क्या हमारा सपोर्ट है, 46,500 600 सपोर्ट है, 47,000 47,200 ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर निकल जाता है तो पॉजिटिव हो सकता है, और जब तक इसके नीचे नहीं जाता है यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं दिखता है, साइडवेज जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो टाइमिंग यहाँ पर दो तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है, 9:15 to 9:30 पहला टाइमिंग है, 11:30 to 11:45 दूसरा टाइमिंग है, और तीसरा टाइमिंग जो है 2:15 to 2:30 ये आ रहा है। देखिए कल अगर बाई एनी चांस हम हायर एंड ऑफ द रेंज में जैसे कि आज के हाई के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी में बैंक निफ्टी में सबने, तो मार्केट एक तरफ भी जा सकता है, और अभी जो भी सेलर्स है सबको फंसाने के बाद मार्केट एक तरफ ऊपर फिर से जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, और जब तक आज का जो लो है उसको नहीं तोड़ता है यहाँ पर सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, बाइंग के बारे में ही सोचना पड़ेगा। दो मार्केट थोड़ा सा सेलॉन रैलीस बना हुआ है, आज का जो मार्केट है उसके हिसाब से तो मार्केट फिर से बाय ऑन डिप्स आ सकता है, तो हमको उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, अभी हम देख लेते हैं फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी में देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था 20,700 के आसपास सपोर्ट बना है, तो यहाँ पर देखिए वहां पर सपोर्ट के ऊपर ही आज भी क्लोजिंग आया है, तो 20,750 सपोर्ट रहेगा, 800 850 रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर हम इसको यहाँ पर मार्क करना है तो आप देख सकते हो कि जब तक आज का जो लो है 20,500 के ऊपर जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक एक्चुअली यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं आएगा। देखिए ये इसके नीचे जाना पड़ेगा सेलिंग आने के लिए, इसके ऊपर जाना पड़ेगा बाइंग आने के लिए, यहाँ पर हम साइडवेज मान सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज रह सकता है। बट आप देखोगे तो ये लो था उसके बाद ये लो आया है, तो हायर लो आया है, तो अभी हायर हाई बनना बाकी है, और अगर ये सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर तो यहाँ पर बड़ा सा मूवमेंट हमको फिर से आने के उम्मीद है। तो मैंने आपको फाइनेंस निफ्टी के लिए 11 to 11:15 एंड 2:15 to 2:30 ये दो टाइमिंग हमारे लिए है। तो अगर फर्स्ट हाफ थोड़ा सा साइडवेज रहता है एंड देन सेकेंड हाफ के बाद एक्चुअली यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, या डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या है, या साइडवेज टू पॉजिटिव होके अगर ऊपर में सबको फंसा के फिर से नीचे आना स्टार्ट करता है तब नेगेटिव हो सकता है। तो ऊपर देखिए जब तक 22,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक चैलेंज है, एंड बैंक निफ्टी में 47,200 के ऊपर सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है तभी पॉजिटिव है, अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके वहां पर सबको फंसा के फिर से नीचे आ सकता है। तो फाइनली अभी हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी का, तो मिड कैप निफ्टी में भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और हायर एंड ऑफ द रेंज में ये क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप देखोगे तो इसने 40 RSA के ऊपर अभी बंद करने के लिए रेडी हो रहा है। आप देखो हमारा ग्रैंडफादर सजेशंस का स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल यहाँ पर अप्लाईकेबल हो सकता है, अगर
आज के हिसाब से जो चालू है इसके हिसाब से अगर इसके ऊपर रहता है, जब तक हम 10,500 के ऊपर रहता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर फिर से बाइंग का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 10,800 900 के पास जाने का पूरा कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर 10,450 पहला सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है 500 550 पर आता है, एंड उसके ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहने का उम्मीद हमारा है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे तो पूरा का पूरा हायर एंड ऑफ द रेंज में आ चुका है मिड कैप निफ्टी। आप देखोगे मिड कैप निफ्टी पहले से ही बहुत ही स्ट्रांग था, ओनली कल बहुत अच्छा सा गिरावट आया है, वरना ओवरऑल इतना खास कुछ यहाँ पर गिरावट नहीं है मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर 11:45 to 12 पहला टाइमिंग है एंड 2:15 to 2:30 दूसरा टाइमिंग है। तो यहाँ पर अगर ग्रैंडफादर फादर सन्स का स्ट्रैटेजी अप्लीकेबल हो सकता है तो यहाँ पर बड़ा मूवमेंट आ सकता है। सिमिलरली निफ्टी में भी देखे, निफ्टी में इनफैक्ट 40 RSI तक नहीं गया है, आज आप देखोगे तो 43-44 के आसपास था RSI, एंड उसके आसपास ही इसने सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गया है। और आप देखोगे वीकली और मंथली में टीटी है, अब वो 60 के आसपास ही है, तो 60 के ऊपर ही है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अभी ग्रैंडफादर फादर सन के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 40 के आसपास सपोर्ट लेना है, 40 के आसपास तो आया नहीं है, लगभग हम इसको मान सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 43-44 के आसपास आया था। इसके हिसाब से ही रिलायंस वगैरह में ऐसे बड़े बड़े स्टॉक में भी सिमिलर उपलब्धि है, तो देखते हैं कि मार्केट को कहाँ तक ऊपर लेने की कोशिश होती है। तो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, उस लेवल के हिसाब से आपको प्लान करनी है। आई होप आपको जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ उससे आपको मदद मिल रही है। अगर इससे मदद मिलती है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।